चोरां दे हौसले बुलंद बठिंडा दे सिविल अस्पताल दे DEIC ऑफिस दे विच कीती गई शरेआम चोरी CCTV कैमरे दे विच होई कैद। दस दिए कि बठिंडा शहर के अंदर चोरों के हौसले इन्ने बुलंद हो चुके हैं कि शरेआम चोरियां कीतियां जा रही हैं। ये बठिंडा के सिविल हस्पताल के अंदर DEIC दफ्तर जो ऑफिस है उसके अंदर चोरों वालों दिन के 3:15 बजे चोरी की गई है, क्योंकि ये दफ्तर 2 बजे तो बाद बंद हो जाता है। चोर अंदर आते हैं तो इतों अरलों तक लाज लेंदे ने, डोर क्लोजर ला लेंदे ने। इत्थे एक कंप्यूटर की LCD चोरी हो गई है, तो इतों तक कि अलूमीनियम के दरवाजे तक इतों चोरी किए गए ने। यह पिछले 3 दिन तो लगातार चोर चोरी कर रहे हैं, जिस के संबंध में जो उतों की इंचार्ज है जो डॉक्टर मीनाक्षी सिंगला, उन्होंने कहना है कि साढ़े वालों इस संबंधी पुलिस को कंप्लेट कर दी गई है। तो अगर पुलिस सही ढंग कार्रवाई नहीं करेगी तो साढ़े वालों SSP मिला जाऊगा। लेकिन चोरों के हौसले लगातार बुलंद होंगे दिखाई दे रहे हैं। तुम देख रहे हो तस्वीर बठिंडा के DEIC दफ्तर दिया सिविल हस्पताल के अंदर ये दफ्तर बनाया है, जिथे चोरों के हौसले बुलंद ने। शरेआम चोरी की जा रही है, जो मामला सारा CCTV कैमरे अंदर कैद हो चुका है। अमृत शहबाज सिंह है जी मेरा नाम, साइकोलॉजिस्ट के तौर पर मैं जॉब कर रहा हूँ। कौन सा दफ्तर है? हाँ जी ये ऑफिस कड़ा है, ये DEIC। हाँ जी, इतने अपनी चोरी हुई है कि कहना की समान लिया है? समान जी एक अपने LED सी, कंप्यूटर वाला जो होंगे कंप्यूटर LED, तो बाकी कुंडे कब्जे जे दरवाजे के, तो अलमीनियम के दरवाजे, ये सारिया चीज़ा लै गए। किन्ने दिन हो गए चोरी होने लगातार? 3 दिन हो गए, आलमोस्ट लगातार ही चोरी हो रही है। कंप्लेट भी असी दी है पुलिस को, जी अपनी चौंकी है इतने सिविल हॉस्पिटल, तो देखो कार्रवाई कर रहे हैं। वह कि नुकसान हो गया, कि बंद CCTV CCTV कैमरे के एक बंदा ही आया जी, पर यह पिछे एक बैग किसी ने फड़ाया, उन्होंने शायद 2 बंदे तो हो गए। मामला चोरी लगातार हो गई 2-3 दिन कि समान लिया? मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंगला, डिस्ट्रिक्ट इमिग्रेशन ऑफिसर बठिंडा, DEIC डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर जो कि बठिंडा हॉस्पिटल के प्रिमसिस बनिया होया है, वो लगातार पिछले 5 दिन तो चोरिया हो रही। पहला तो जी है LCD की स्क्रीन फर्स्ट डे से चोरी की गई, उस तो बाद नैक्सट डे जे डोर क्लोजर्स ने हैंडल ने उन्हें तक भी लोग पहुँच गए हैं। उन्होंने भी जी सरकारी चीज़ा हैं बड़ी मुश्किल के नाल सरकार वालों लोगों की सेवा लिए दिखाई जाती हैं, उन्होंने भी लोग नहीं छड़ रहे, बड़ी ही गलत गल है। उस तो इलावा फिर उन्होंने एक दरवाजा ही ला के ले गए, हूँ तो बिल्कुल आप कही भी हद ही कर दी है। काइंडली यहाँ जो वारदातें ने गिया जो भी लोग कर रहे हैं, मेरी उन्होंने अपील है वो सरकारी संस्थावान तो बख्शन। शिकायत की गई है? हाँ जी, साढ़े वालों जी है पुलिस चौंकी के शिकायत की गई है, FIR दर्ज करवा दी गई है। जेकर सा मसला ना हल हो तो असं SSP साहब को भी जावे। हाँ जी सर, की नाम है तो की कहना चाहोगे जी इतने चोरी हुई है? मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार है जी, मैं चौंकी सिविल अस्पताल लग्या। सानू शिकायत मिली है भी जो DEIC सेंटर है ये ना जरा है पिछों की शीशे वगैरह क्ड के नाम व्यक्ति कोई इतना समान वगैरह जो दरवाजे वगैरह पले है इन्हों के LED वगैरह वो चक के लै गए। होर भी AC वगैरह भी चोरी हुई सर? वो चोरी नहीं कह सकते, बंदा आया उत्थे डॉक्टर साहब बच्चे बैठा सगा, उन्हें कहा मैं सर्विस करने वास्ते आया, सर्विस करके वास्ते ला के बाहर लैके गया, उस तो बाद वापस नहीं आया जी। हाले कंप्लेट साढ़े को आई नहीं, जो आ गई तो कार्रवाई कर रहे हैं? हाले पड़ताल कर रहे हैं, दरखास्त साढ़े को आ गई जी, जी बनती कार्रवाई असं कर रहे हैं।